Hello everyone, I am Mohit, student of 10th A class in Government Senior Secondary, Smart School, Adampur, Jalandhar. Aaj main tuhade naal ek activity share karan ja rahi haan. Is activity vich assi ghar vich paaye jaan wale ek ghanakar bakse di paasvi satah da khetrafal, kul satah da khetrafal ate takkan to bagair kul satah da khetrafal pata karange. Sab to pehla main ek ghanakar baksa liya te edi main length, breadth te height naap li. एदी लेंथ मेरे कोल 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ 23 सेंटीमीटर, ते हाइट मेरे कोल 13 सेंटीमीटर। इस सब तो पहला असी एदी पासवी सतह दा खेत्रफल पता करांगे। तो घनाब दी पासवी सतह दा खेत्रफल लई फॉर्मूला हुंदा 2 गुणा एल जमा बी गुणा एच। ते हुण ए फॉर्मूला किद्दां बणिया एदी मैं तुहानूं समझाउण दी कोशिश करूंगा। जे देखिया जावे तां घनाब दी पासवी सतह विच असी आ राइट वाला जिहड़ा फेस, लैफ्ट वाला फेस, जिहड़ा फ्रंट फेस ते जिहड़ा बैक फेस, इन्हां दा सी जिहड़ा खेत्रफल पता करना, मतलब जिहड़ियां चार फेस है इहदे। ते जे देखिया जावे ते आ वाला फेस जिहड़ा फ्रंट ते आ, इह जिहड़ा बैक फेस दे बिलकुल इक्वल आ, ते इन्हां दा जिहड़ा खेत्रफल आपस विच इक्वल होगा। जे देखिया जावे तां आ वाले फेस दा खेत्रफल साडे कोल बनदा लेंथ इनटू हाइट, मतलब लेंथ इनटू हाइट। हुण असीं इह लिख लैने आ लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट। ते जे आ वाले फेस दा लेंथ इनटू हाइट होगा ते जेड़ा आदे ओपोजिट जेड़ा आदे इक्वल आ ओदा भी लेंथ इनटू हाइट ही आ, मतलब दो वाली, मतलब कि इनू दो नाल गुणा कर देनी। ते हुण इहदे विच असीं प्लस करांगे आ जेड़ा राइट ते फेस वा ते जेड़ा लेफ्ट ते फेस वा। जे देखिया जावे तां आ वाले फेस दा अपने कोल खेत्रफल बनदा ब्रेथ इनटू हाइट, ब्रेथ इनटू हाइट, ये भी असीं लिख लैने आ ब्रेथ इनटू हाइट। जे ए दा ब्रेथ इनटू हाइट आ ते जेड़ा इहदे ओपोजिट ओहदा भी ब्रेथ इनटू हाइट ही होगा, मतलब कि दो वारी, इस करके असीं इस नूं दो नाल गुणा कर दी, दो गुणा ब्रेथ इनटू हाइट। ते जे इहदे विचों असीं कॉमन कढ़ीए ते इहदे विचों साडे कोल कॉमन बचदा दो, दो कॉमन, दो साडे कोल दो कॉमन आया ते ब्रैकेट विच सत्त ओह बचदा एल जमा बी, ते एक साडे कोल एच वी कॉमन आ। ते फॉर्मूला इस तरह बनिया। ते जदों असीं पूरी कैलकुलेशन कीती पासवी सतह दा खेत्रफल पता करन लई ते साडे कोल इहदी पासवी सतह दा खेत्रफल 1378 सेंटीमीटर स्क्वेयर है, मतलब कि घनाब दी पासवी सतह दा खेत्रफल साडे कोल 1378 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया। हुण असीं इहदी कुल सतह दा खेत्रफल पता करांगे। जे कुल सतह विच देखिया जावे ते इहदा राइट वाला फेस, लेफ्ट वाला फेस, फ्रंट वाला फेस ते बैक वाला फेस, इह चार तां आणे ही आ, ते इहदे विच असीं जिहड़ा उपर वाला फेस ते जिहड़ा नीचे वाला फेस इहनूं वी असीं प्लस करांगे। जे देखिया जावे तां जिहड़ियां वी ओपोजिट फेसिस आ उह इक दूसरे दे इक्वल आ। जे आह वाले फेस दा देखिया जावे इहदा खेत्रफल बनदा लेंथ इनटू हाइट, इह असीं नोट कर लैणा लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट आ वाला फेस दा ते आ वाले फेस दा ये बिल्कुल लेंथ इनटू हाइट होगा, मतलब दो वाली, असीं इस नूं दो नाल गुणा करती। ते हुण असीं इहदे विच प्लस करांगे आ राइट वाले फेस दा खेत्रफल ते लेफ्ट वाले, दोनों इक्वल आ। जे इहदा खेत्रफल देखिया जावे तां इहदा खेत्रफल ब्रेथ इनटू हाइट, ते इहदा भी ब्रेथ इनटू हाइट, मतलब दो गुणा ब्रेथ इनटू हाइट, दो गुणा ब्रेथ इनटू हाइट। ते हुण असीं इहदे विच प्लस करांगे अपर वाले दा ते लोअर वाले दा। अपर वाले दा देखिया जावे साडे कोल बनदा लेंथ इनटू ब्रेथ, जे अपर वाले दा लेंथ इनटू ब्रेथ बनदा ते जिहड़ा लोअर वाला इहदा भी लेंथ इनटू ब्रेथ बनदा, मतलब कि दो गुणा लेंथ इनटू ब्रेथ। हुण असीं इहदे विचों जे कॉमन देखिया जावे तां साडे कोल दो कॉमन ते ब्रैकेट विच बचिया साडे कोल एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी, तां हुण देखिया जावे एल बी प्लस बी एच प्लस एच, ते इह फॉर्मूला साडे कोल इदां तैयार होया। ते हुण फॉर्मूला लगाउण तों बाद, पूरी कैलकुलेशन करन तों बाद साडे कोल जिहड़ा आंसर आ उह 2758 सेंटीमीटर स्क्वेयर बणिया, मतलब 2758 सेंटीमीटर स्क्वेयर बण गया। हुण साडे कोल कुल सतह दा खेत्रफल भी आ गया। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ
कि टक्कन तो बिना कुल सतह का क्षेत्रफल पता करो। टक्कन तो बिना मतलब क्षेत्रफल कुल सतह का, पर ओदे विच्चों आ जिहड़ा उपर टक्कन एदा क्षेत्रफल माइनस करना, आ जिहड़ा उपर टक्कन एदी शेप सानू आयत नजर आंदी, ते आयत दा क्षेत्रफल साडे कोल लेंथ इनटू ब्रेथ। हुण असीं ये भी नोट कर लैणे, आयत दा क्षेत्रफल लेंथ इनटू ब्रेथ, ते एदे आ सातों को साडे कोल क्षेत्रफल 690 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, मतलब ए साडे कोल टक्कन दा क्षेत्रफल आ गया। हुण टक्कन तो बिना जे असीं फाइंड करना ते जिहड़ा टोटल आ ओदे विचों असीं टक्कन दा माइनस करांगे, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2068 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੱਕਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁੱਲ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿ ਇੱਕ ਘਣਾਵਗਰ ਬਕਸੇ ਦੀ ਪਾਸਵੀ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਕੁੱਲ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਟੱਕਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁੱਲ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।